जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल 20 अगस्त को जब सारे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में चल रही वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा की सुनवाई पर थी, तब पंजाब से एक बड़ी खबर आई है। खबर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए राम मंदिर के शिलान्यास से जुड़ी है। कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ सितंबर तक सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर खुद सरकार ने ही पाबंदी लगा दी है, वहां राम मंदिर के शिलान्यास के लिए देश भर से कुछ चुनिंदा लोगों को निमंत्रण दिया था। इन निमंत्रणों में सिख नेता और जत्थेदारों को भी बुलाया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी उस कार्यक्रम में नहीं गया। यहां तक कि भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन करने वाले अकाली दल के नेता भी उस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। केवल एक व्यक्ति ज्ञानी इकबाल सिंह, जो खुद को पटना साहिब के जत्थेदार होने का दावा करते हैं, वही राम मंदिर के शिलान्यास के कार्यक्रम में गए थे और वहां जाकर उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया था। उनका कहना है कि सिख कौम लव कुश से पैदा हुई है, इसको लेकर सरबत सिंह खालसा द्वारा चुने गए अकाल तख्त के जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने ज्ञानी इकबाल सिंह को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए अकाल तख्त बुलाया था, लेकिन वे वहां नहीं गए और इसीलिए अकाल तख्त के जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड ने उन्हें सिख धर्म से निष्कासित कर दिया है। ज्ञानी इकबाल सिंह पर 3 आरोप है जिनका उन्होंने अकाल तख्त के सामने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसमें से पहला आरोप यह है कि वे राम मंदिर शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि कोई भी सिख कौम का व्यक्ति उसमें नहीं गया था। दूसरा आरोप यह है कि उन्होंने उस कार्यक्रम में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का समर्थन किया। और तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने सिख कौम को लव कुश की संतान बताया। इन तीनों गंभीर आरोपों के चलते कल 20 अगस्त को अकाल तख्त के जत्थेदार भाई ध्यान सिंह मंड द्वारा ज्ञानी इकबाल सिंह पर कार्रवाई करते हुए उनसे ज्ञानी, जत्थेदार और सिंह यह शब्द छीन लिए हैं। अब इकबाल सिंह अपने नाम में ज्ञानी, जत्थेदार और सिंह इन तीन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादित बयान गुरु गोविंद सिंह ने ही गोविंद रामायण लिखी है, इस पर दिनांक 12 अगस्त को अकाल तख्त के जत्थेदार द्वारा प्रधानमंत्री को नोटिस जारी किया था और कहा था कि 15 दिनों के अंदर मोदी अपने इस बयान को लेकर सभी सिखों से माफी मांगे। अगर प्रधानमंत्री दिनांक 27 अगस्त तक ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर धारा 295(a) के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उन्हें भड़काने का मामला दर्ज किया जाएगा और इसके लिए सिख समुदाय रास्ते पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में आंदोलन भी करेगा।